गुड मॉर्निंग गाइज कैसे हैं आप सब तो दोस्तों आज की चाय आपके साथ हाँ आज मैंने जल्दी चाय बना ली अपने लिए छः बजे क्योंकि आज ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम नहीं है दिव्यांका ने स्कूल जाना है हस्बैंड ने ऑफिस जाना है और सैटरडे को भी ऑफिस जाते हैं पति देव क्योंकि ये सबकी ड्यूटियाँ लगा लगानी होती है तो उनके लिए इनको जाना ही पड़ता है और संडे को भी जाना पड़ता है क्योंकि काम बढ़ गया है इनको ये सारे कपड़े मैंने धोए थे कल और कुछ कपड़े मैंने अभी धोए हैं बेडशीट वगैरह अभी मैंने निकाली है और दिव्यांका का हाफ डे है आज सैटरडे को तो आज हाफ डे के दिन उसको लंच नहीं देना है प्रॉपर लंच नहीं देना सिर्फ एक दो फ्रूट दे दूँगी और अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं और लंच में मैंने बनाई है आलू पकौड़ियों की सब्जी जो मैंने आपको दिखा दी आलू और लंबी पकौड़ियाँ और फ्रूट काटना है मुझे अभी और पहले कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए और उसके बाद आपसे मिलती हूँ तो ये सारे कपड़े मैंने जंगले पे ही डाल दिए धूप लगेगी ना तो दो तीन घंटों में ही सूख जाएंगे ये तीन घंटे भी नहीं लगेंगे दो ढाई घंटे में सूख जाएंगे मतलब दिव्यांका को जब तक मैं लेने जाऊँगी तब तक सूख जाएंगे थोड़े से कपड़े इधर डाल दिए और बेड वग़ैरह उधर डाल दिए मैंने और मेरी चाय आपसे बात करते करते कपड़े डालते डालते दिन चढ़ गया चलो ब्लॉगिंग के बहाने मेरी चाय भी पी पाई हूँ मैं अभी इस वक्त तो अभी ये कपड़े सूखने डाल दिए मैंने और ये इस पर मैंने रात को गीले कपड़े डाल दिए थे रख दिए थे मतलब और अभी मैं अंदर जाऊँगी और सब्ज़ी आलू रखे हैं हल्की आंच पे भूनने के लिए तड़का भून जाएगा उसके साथ ही वैसे तो भून लिया था मैंने बस आलू डालने थोड़े से आलू भूनूंगी उसके बाद सब्जी डालूंगी और सीटी लगा लूँगी भाई देवे हिमाचल में तो सीटी लगानी पड़ती है आलू उबालने के लिए भी यहाँ सीटियाँ लगानी पड़ती है चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में और लाइट बंद कर देती हूँ क्योंकि दिन चढ़ गया ये रूम तो बिल्कुल साफ़ है यहाँ कोई काम नहीं है बस दिव्यांका की ये लॉन्ग शर्ट उठानी है यहाँ से ये हीटर कब तक चलेगा <laughs> एक तो लेट उठी है ऊपर से तैयार नहीं हो रही और यहाँ पर चलाया हुआ है हीटर क्योंकि ठंड लग रही है इस टाइम जल्दी हो जाए बेटा का की स्पैक्स और सैनिटाइजर ये जो मैंने सब्जी बनाई है ये इन दोनों का खाना है मेरा खाना ये है मैं अभी इनको छील दिया है अच्छे से मैंने और इनको भिगो के रख दूंगी काट के ऐसे काट दिया मैंने इनको रफ़ली चॉप कर दिया और इनको भिगो दूँगी और जब खाना है उस वक्त काट लूँगी बारीक बारीक तो जी मैं छोड़ आई हूँ दिव्यांका को स्कूल और उसके पापा चले गए हैं ऑफिस और ये जो अब लास्ट में जूते रह गए थे पतिदेव के अच्छे से धो दिए और इनको धूप में डाल देती हूँ हाँ जूते वगैरह धोने इसलिए भी ज़रूरी थे क्योंकि शादी में भी जाना है तो शादी की तैयारियाँ कर रही हूँ एक तरह से साथ साथ में थोड़े थोड़े काम निपटा रही हूँ रोज़ के रोज़ तो अभी मैंने सफाई कर दी है मैंने आके सफाई कर दी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया क्योंकि मैं फ्रूट खाना फिर टाइम ही नहीं लगता जब दी को छोड़ने जाना होता है हम लेट हो रहे थे तो मैंने सोचा मैं आके खा लेती हूँ अभी मैंने फ्रूट फिनिश कर दिया है अपना हाँ ये देख लो यहाँ पर हम तीन लोगों ने फ्रूट्स खा लिए इसमें और सुबह सुबह ज़्यादा खाया भी नहीं जाता मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने ना एक दिन डीप क्लीन किया था तो ड्रॉर का सारा सामान इनमें डाल दिया था ड्रेसिंग टेबल के जितने भी ड्रॉर हैं दोनों और वो जल्दबाजी में डाल दिया था क्योंकि एट ए टाइम मुझे फ़ोन आ गया था कि गेस्ट आ रहे हैं घर पे तो मैंने इसी में डाल के रख दिया क्योंकि टाइम नहीं था फिर साफ सफाई करने का और जैसे भी मुझे मिला मैंने इस लिफाफे में डाल दिया अभी मुझे छाटना है इसमें से जो सामान सामने रखने वाला है वो सामने रखूंगी बा, बाकी जो नहीं चाहिए वेस्ट है वो फेंक दूंगी और यहाँ की तकरीबन सफाई तो हो गई है बेडिंग वगैरह लग गई झाड़ू पोछा हो गया है और एक बार फिर से झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि अभी भी मैं काम कर रही हूँ देखो झाड़ू पोछा लगने के बाद भी मैं काम कर रही हूँ बताओ मतलब क्या ही बोलूँ मैं अब वैसे काम कर दिया है लेकिन ये है ना कि कोई चीज उठाई या थोड़ी सी वहां से डस्टिंग कर दी यहाँ से डस्टिंग कर दी तो कहीं थोड़ा सा रह जाता है देखो पतिदेव अपना हैंकिंग ले जाना भी भूल गए हैं और अपनी घड़ी पहनना भी भूल गए हैं और अपना वॉलेट ले जाना भी भूल गए ये ऐसे भूल करा है फोन मैंने पकड़ा दिया था इसलिए वो फोन ले गए और देखो घड़ी यहीं पर है चलो और चश्मा तो आजकल ले जा ही नहीं रहे स्पेक्स यहीं पर छोड़ देते हैं और मैं बॉक्स में डाल देती हूँ फिर आके ढूंढते हैं कि मेरा चश्मा कहाँ गया चश्मा यहां पे लगा के रखा रखेंगे और ढूंढेंगे कि चश्मा कहाँ गया ऐसे ही होता है तो जी डीप क्लीन करना बड़ी मुश्किल चीज़ है ड्रॉर तो मैंने सेट कर दिए लेकिन ज़्यादातर सामान अभी भी बैग में है टाइम साढ़े दस हो गए हैं और मुझे अभी फटाफट से कपड़े प्रेस करने हैं क्योंकि साढ़े ग्यारह बजे मुझे निकलना है पति देव के कपड़े प्रेस करके रख के जाना जाने हैं अगर वो लेट आए तो वो तैयार हो आ जाएंगे फिर हम स्कूल के पास उनको मिलेंगे और फिर वहाँ से जाएंगे चाचा जी के घर और अभी मैं ऐसा करती हूँ फटाफट फड़ से पहले कपड़े प्रेस करती हूँ फिर मुझे नहाना भी है नहाना तो खैर पाँच मिनट में हो जाएगा मेरा और किचन की सेल्फ साफ़ करनी है मैंने बस ये दो या तीन काम बच गए हैं और मुझे कोशिश करनी होगी कि मैं इस आधे घंटे में घर कर पाऊँ तो जल्दी से काम खत्म करके आपसे मिलती हूँ और फिर बताती हूँ आगे की अपडेट तो इस वीडियो का मैं एंड यहीं पर करूँगी क्योंकि ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना आप लोगों के साथ और प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कैसी वीडियो आप देखना चाहते हैं खाने की वीडियो देखना चाहते हैं कोई स्पेशल फूड देखना चाहते हैं कोई चीज़ की किसी सब्जी की रेसिपी देखना चाहते हैं या फिर कौन सी जगह है शिमला की जहां आप घूमना चाहते हैं तो मैं आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको ब्लॉग ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे और मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो में आप, दे, आपको देखने को मिलेगा मैं दिव्यांका को स्कूल से लेने जाऊंगी और हफ्ते में अभी एक ही बार वीडियो आ रहा है वो क्यों क्योंकि अभी ज़्यादा लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और कोशिश करूंगी मैं रोज व्लॉग बनाऊँ जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी क्या पता दिन में दो दो बार भी बन जाए दिन में तीन वीडियो भी बन जाए वो बात की बात है क्योंकि दो दो चैनल मैनेज कर रही हूं तो मैनेज करना बहुत मुश्किल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना प्यारा सा कमेंट छोड़ देना और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय